Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and today we are going to solve this problem, a sum. This is code forces round 827 of division 4. And if you have not done this question, this is very much easy question. And I hope so you have done this question. If you have not done, try to pause the video, try it by yourself, pause the video and then see our solution. Okay, so let's get into the picture. What actually want to question want to say? Okay, so let's see. Question kana kya chata isme? You are given a three integer A, B, C. Determine if one of them is sum of other two. मतलब कि आपके पास तीन integer दिए जाएंगे A, B, C. ठीक है? आपको ये बताना है कि क्या वो का उनका उनमें से कि एक का sum, एक नहीं दो का sum किसी तीसरे के बराबर है या नहीं? तो सिंपल है, आप पाइथागोरस थ्योरम आपने अगर पढ़ा होगा 7th-8th क्लास में, तो उसमें क्या होता है कि दो बेस और परपेंडिकुलर का सम हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है. तो हम ये वाला तरीका भी इसमें यूज कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन. सबसे पहले #include इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट strem स्ट्रीम, input output stream, and #include input output stream using namespace stb int main 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 int t, क्योंकि test case इसे रहेगा इसके अंदर int t, seen t किया मैंने, while t की value घटती जाएगी. ठीक है, फिर अब क्या हो जाएगा, a कॉमा b कॉमा c तीन वेरिएबल्स दिए जाएंगे. उसको सीन कर लेते हैं, सीन कर लेते हैं a b और c में. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम करेंगे कैसे, क्या करना, क्या मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है. मैंने लिया एक वेरिएबल कैपिटल में, आप मान के चलो बिग लेता हूँ मैं, एक int b. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू में क्या, सबसे जो मैक्स वाली वैल्यू है ना वो आ जाएगी a b c में से. देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू बिग में स्टोर हो चुकी है. आपको अगर पता ना हो तो हम मैक्स वैल्यू ऐसे ले सकते हैं, सबसे अगर आपको सबसे ज़्यादा बहुत सारे वैल्यूज का मैक्सिमम चाहिए ना, तो इस तरीके से आप ले सकते हो. जिसमें मैंने यूज़ किया और इसमें मुझे यूज़ कर मैंने एल्गोरिदम यूज़ किया है, तो #include algorithm. ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल चुकी है. ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन सम करके एक और वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर a प्लस में b प्लस में c कर लेंगे. ठीक है, सबका सम हो चुका है. ठीक है, अब जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, सम में से माइनस कर दो. ठीक है, तो सम इज इक्वल्स टू के अंदर सम में से माइनस कर दो बिग को. ठीक है, मैंने बिग को माइनस कर दिया. अब जो वैल्यू आएगी सम की, क्या वो बिग के बराबर है? अगर है तो यस यू आर इन द राइट ट्रैक. मतलब कि हाँ, ये कंडीशन लगेगा इफ सम की जो वैल्यू है, इफ सम इक्वल टू इक्वल टू में बिग के बराबर आया, बिग के बराबर आया तो क्या करना है आपको, तो आपको सी आउट करना है. यस, मैं कैपिटल में ले लेता हूँ यस और हैंडल, क्योंकि टेस्ट केसेस है. एल्स में सी आउट करना है आपको नो और एंटर, नो और एंटर. ठीक है, सिंपल, एक बार रन करके देखें इस कोड को. लेट्स रन दिस कोड. मेरे ख्याल से ये थोड़ा नीचे हो गया है. लेट्स रन दिस कोड. यस यस नो यस यस नो नो यस. ठीक है, ये आ रहा है, तो इसका मैं देखते क्या है. यस नो यस 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 नो यस यस नो नो यस, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर रहा है. मैंने एक और बार इसका एक बार पहले सबमिट करके देख लेते हैं. ठीक है, क्या मेरा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा? तो एक कॉन्टेस्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट हो चुका है, इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं था इसमें, तो नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ईजी. तो एक बार हमने सबमिट कर दिया, रनिंग ऑन टेस्ट केस 1, रनिंग ऑन टेस्ट केस 2 एंड एक्सेप्टेड. तो देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और सिंपल था, मेरा कोड बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया है. एक और बार मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ क्या हो गया, कि हमें तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं. क्या हमें तीन वेरिएबल्स दिए हैं, तीन वैल्यूज दिए हैं ए बी सी करके, इसमें से ना एक सबसे बड़ा वैल्यू होगा और बाकी दो उसके सम होंगे.
तो मैंने क्या किया, सारे वैल्यू को जोड़ दिया। लेट सपोज कि आपके पास 3, 2 और 5 है, मैंने 5 सबका सम ले लिया, तो सबका सम ले लिया तो कितना आएगा, 5, 3, 8 और 2, 5, 3, 8 और 2, 10, टोटल 10 होंगे। अब उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को माइनस कर दो, तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो दोनों बराबर ही आया ना। तो एक सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक अगर आप थोड़ा यूज करो तो आपको आ जाएगा। और इस कोड में आपको जो याद लर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैंने आपको एक छोटा ट्रिक में बता दिया कि किस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यूज का एक बार में सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द वे, आप जितने चाहो उतने इसमें डाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यूज ले सकते हो। इट्स वेरी मच इजी। आज आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस संजीव साइनिंग ऑफ।